लाहौल स्पीति में फिर आया भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिला में 15 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार सुबह 10:46 पर भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 रही। भूकंप का केंद्र लाहौल स्पीति में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा। चंबा में मुख्य अध्यापक की जलकर मौत। जिला चंबा के साहो में एक प्राथमिक पाठशाला में तैनात मुख्य अध्यापक जिंदा जल गया। मुख्य अध्यापक करम सिंह चंबा के हरिपुर में रहता था और साहो की प्राथमिक पाठशाला में तैनात था। देर रात 1 बजे के करीब उसकी रजाई को आग लग गई, जिससे वह जल गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों के हवाले कर दिया है। CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ यात्रा संस्मरण। मंडी जिला के सुंदरनगर निवासी साहित्यकार पवन चौहान के एक संस्मरण को CBSE पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बतौर शिक्षक छमियार में कार्यरत पवन चौहान का यात्रा संस्मरण आभी के इलाके में पिकनिक CBI के पाठ्यक्रम 7वीं कक्षा में शामिल किया गया है। अभी जो 2020 के सिलेबस में मेरी CBSE के पाठ्यक्रम में एक यात्रा संस्मरण आभी के इलाके में पिकनिक जो पाठ्यपुस्तक 7 में लगा है, उसके लिए मैं हिंदी पाठमाला सरस्वती जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हिमकेयर योजना के लिए 31 मार्च तक बनवाएं हेल्थ कार्ड। प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया एक बार फिर 1 जनवरी 2020 से शुरू हो गई है। ये योजना 31 मार्च 2020 तक रहेगी। CMO डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार द्वारा चुनिंदा अस्पतालों में निशुल्क किया जाएगा। सुंदरनगर में शुरू हुई राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता। MLSM कॉलेज सुंदरनगर में पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता में सीनियर व जूनियर वर्ग में 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग के पहले मैच में बिलासपुर ने सोलन को एक तरफा मुकाबले में 9-29 गोलों से शिकस्त देकर जीत दर्ज की। और आज मैं इस आयोजन के लिए जो सुंदरनगर में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसके लिए हैंडबॉल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दिलीप ठाकुर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये टूर्नामेंट सफल हो और 3 दिवसीय इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का सफल आयोजन यहां पर हो सके, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। शोघी के पास 3 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने शोघी बैरियर के पास लगाए नाके से गाड़ी में सवार 3 युवकों से 99.75 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस ने बालूगंज थाना में मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटखाई के ये तीनों युवक पंचकुला से शिमला की तरफ आ रहे थे। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की गई जान। शिमला मंडी NH पर बरमाणा थाना के तहत सलापड़ के पास ट्रक ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक पर पीछे बैठी हुई महिला गिर गई और उसकी मौत हो गई। वहीं चालक को चोटें आई हैं। घायल को जिला अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। आनी के लामी सेरी में लुढ़की कार, 3 लोग घायल। पुलिस थाना आनी के अंतर्गत आनी रूना सड़क मार्ग पर लांबी सेरी में एक कार दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और 2 घायलों को निकाला गया और सिविल अस्पताल आनी पहुंचाया गया। 3रे घायल को सुबह अस्पताल पहुंचाया गया। हमीरपुर में वर्ष 2019 में कम हुए हादसे। SP हमीरपुर अरजीत सिंह ने बताया कि जिला में पुलिस की सक्रियता के चलते हादसों का आंकड़ा सिमटा है।
गत साल जहां हादसों के 128 मामले दर्ज हुए थे, वहीं इस बार 109 केस ही दिसंबर 2019 तक सामने आए हैं। हमीरपुर पुलिस की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के साथ साथ दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता रंग लाई है। हमारा 128 केसेस जो पिछले साल रजिस्टर्ड थे, उसके बनिस्बत इस बार 109 केसेस रजिस्टर्ड हैं, जो कि एक अच्छा साइन है कि हमारी रिडक्शन हुई है रोड एक्सीडेंट्स में, खासकर फेटल एक्सीडेंट्स में। अतिक्रमण मामले में दूसरे पक्ष ने लगाए कब्जा करने के आरोप। नेशनल हाईवे पर स्थित पुंग में अवैध खोखा निर्माण मामले में दूसरे पक्ष ने शिकायतकर्ता पक्ष पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से 2 मंजिला पक्का मकान बनाने के आरोप लगाए हैं। कमलेश कुमार और प्रताप सिंह ने कहा कि उनकी मिल्कियत भूमि में खोखा बनाने के बावजूद आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कमलेश कुमार, हमने सुंदरनगर के मोहाल पुंग में जमीन खरीदी है, जो कि हमारी अपनी मिल्कियत है, लेकिन इंद्रदेव सनोप हिन्नूराम गांव पुंग के रहने वाले हैं, जिन्होंने 31 तारीख को हमारे खिलाफ एक न्यूज लगाई कि आपने जो है ये जो खोखा बनाया हुआ है ये अवैध है। लेकिन मैं डिपार्टमेंट को और SDM सुंदरनगर जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जमीन है हमारी अपनी मिल्कियत है, हमने खरीदी हुई है, जिसके ऊपर हमने खोखा बनाया हुआ है।